गोरखपुर महोत्सव तैयारी बैठक मंडलायुक्त अमित गुप्ता की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडी बेसिक बीएसए बीएन सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में गोरखपुर महोत्सव में शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में मंडलायुक्त ने महोत्सव में आयोजित शिक्षा विभाग में पेंटिंग प्रतियोगिता सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई और महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। तो थोड़ा जो कम कर रहे हैं उसको करके हम 5,000 का है तो 400 करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, 4,000 का क्या करना है या क्या प्लान है, क्या आपको दिक्कत महसूस हो रही है और पार्टिसिपेशन कैसे रिजीवर से ज्यादा है? और जैसे हम लोग के पास जो भी जो बच्चे थे वो वहाँ से पेंटिंग पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाएंगे, उसमें क्या है कि अब आपकी तरफ से थोड़ा पेपर मीडिया में जाए और बच्चों को पता चले कि इस तरह का पेंटिंग का कार्यक्रम हो रहा है। पेंटिंग में तो हमने ये कहा है, कौन से कौन से क्लास का है? क्लास 1 से लेके 12 तक के बच्चों का है। इसमें तो जो सरकारी स्कूल जितने भी हैं उनसे पार्टिसिपेशन अवश्य आने के लिए हमने कहा है, बेसिक के भी और वहाँ के बच्चे को भी मौका मिला देगा, प्राइवेट के द्वारा जाते हैं तो। जी जी पेंटिंग का जी सर अलग से होता है कितने बच्चे आएंगे आपके यहाँ पे? 500 पेंटिंग सर 2 दिन बाद बताएंगे। लगभग कितनी कितना अपना टारगेट रखा है? 2,000 नहीं सर, 500 के आसपास हमने रखा है पेंटिंग में। सेम तो नहीं लगेंगे कंपटीशन में सेम बच्चे? देख कंपटीशन की बात हम अपने यहाँ से कुछ कम करेंगे सर, जो हम नहीं मतलब हर कंपटीशन में वही बच्चे तो नहीं भेजोगे ना? नहीं सर, कंपटीशन में अलग अलग बच्चे, जो भी बच्चे आएंगे उनकी सुविधा का विशेष ध्यान रखना। पेंटिंग का आराम से दिन में करिए, कितने बजे करना है? 11:30। चलिए अगला बताइए और की थीम बच्चे कैसे करते हैं, कुछ और इसमें प्रतियोगिता में इम्प्रूवमेंट करते हैं जो बनाया गया।